मैं तो मुस्लिम हूँ, तो मुझे अपने उस आप ये बताओ कि भोजन पाना होता है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम होता है क्या? आनंद की प्राप्ति के लिए हमें हिंदू मुस्लिम देखना है क्या? क्या गंदे आचरण करना मुसलमान के उसमें मजहब में है क्या? नहीं है ना भाई। देखो, हमको ये देखना है कि हमें आनंद कैसे प्राप्त होना है। अगर आप सत्संग सुनोगे तो अच्छे आचरण, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करना, ये अच्छा आचरण है क्या? आप विचार करो। हमारा शास्त्र कहता है आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, जो हमें अच्छा नहीं लगता हम दूसरे के साथ बर्ताव। तुम्हारी बहन को कोई छेड़े तो तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो तुम किसी की बहन को मत छेड़ो। अच्छा, तुम्हारे शरीर को कोई कष्ट दे तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो तुम किसी शरीरधारी को कष्ट मत दो। और नाम जप करना किस संप्रदाय में या किस धर्म में नहीं। आप देखो, आप लोग भी तो नाम जप करते हैं। अगर आप अपने ही ग्रंथ को पढ़े, उसके आचरण उतारे, अब हमें तो ज्ञान नहीं कि उसमें क्या क्या लिखा है। कभी ऐसा ना संयोग मिला है, ना हमारे पास कभी वो सानिध्य मिला। कुरान शरीफ कहते हैं, हाँ कुरान, कभी ऐसा सानिध्य नहीं मिला कि हम उसको स्वाध्याय करके देखे। पर हम अनुमान से कहते हैं, जैसे अपने सदग्रंथों को पढ़ा और गुरुवाणी जी को पढ़ा, जो महापुरुषों, सिख महापुरुषों, हाँ, तो हम सब जगह देखा कि एक ही बात पाई गई है, नाम सुमिरन और सेवा। हम एक ही, एक ही परमात्मा के हम बच्चे हैं सब, कोई भेद नहीं है। भेद हमारी बुद्धियों में बैठ गया है। और हम तुम्हारा हृदय से स्वागत करते हैं कि आप यहाँ आकर के सत्संग सुनने की चेष्टा की। आप अच्छे बच्चे हो, किसी गलत आचरणों में न फंसकर अच्छे आचरण वाले बनो, अपने ही ईश्वर का नाम लो और अच्छे चरित्र वाले बनो।